देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो तकरीबन 6-7 घंटे काशी में रहेंगे। बता दें, इस दौरान वो वाराणसी सहित देश के अन्य शहरों को 6611 करोड़ के 20 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। डीएमआरसी ने आज यानी 20 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया है। बता दें कि डीएमआरसी के मुताबिक रविवार को मेट्रो सुबह 3:15 से चलेगी। इसको बदलने का कारण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20 अक्टूबर को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन है। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोईया संयुक्त संघ की बैठक आज यानी 20 अक्टूबर को तहसील भानु प्रतापपुर के रेस्ट हाउस के सामने सामुदायिक भवन में आयोजित की जाएगी। बता दें कि भवन में सभी रसोइयों को बैंक पासबुक लेकर आने के लिए कहा गया है। रांची महानगर काली पूजा समिति ने काली पूजा के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज यानी 20 अक्टूबर को विहार क्लब में बैठक बुलाई गई। इसमें 2024 के लिए महानगर काली पूजा की नई कमेटी का गठन किया जाएगा। भिलाई रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क की भर्ती होगी। बता दें कि इसके लिए आवेदन आज यानी 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। कुल 8113 पदों के लिए वैकेंसी है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं मांगी गई। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं बेहतर बनाने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत शहर में आज यानी 20 अक्टूबर से 2 पालियों में ई रिक्शा चलेंगे। बता दें कि नीले कलर कोडिंग वाले ई रिक्शे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेंगे और पीले कलर कोडिंग वाले रिक्शे अपराह्न 3 बजे से प्रातः 3 बजे तक शहर में चलेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्षों की बैठक आज यानी 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इस बारे में सभी जिलाध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। भागलपुर में काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की आम सभा देवी बाबू धर्मशाला में आज यानी 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि सभी मेड़पति को आमंत्रित किया गया है। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याणकारी संस्था की मासिक बैठक आज यानी 20 अक्टूबर को होगी। बता दें, महासचिव लक्ष्मण सिंह बोरा ने बताया कि बैठक में नगर के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। आज यानी 20 अक्टूबर के बाद से प्रदेश में ठंड का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर के बाद हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1568 में आज के दिन अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। साल 1880 में आज के दिन एम्स्टर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साल 1774 में आज के दिन कोलकाता भारत की राजधानी बनी थी। साल 1964 में आज के दिन भारत के क्रांतिकारियों में से एक एचसी दासप्पा का निधन हुआ था। साल 1988 में आज के दिन भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।